हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही के आलू और मैं आज व्रत वाले दही के आलू बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम व्रत वाले दही के आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। व्रत वाले दही के आलू बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल लिया हुआ है। आप जो भी कुकिंग ऑयल व्रत में खाते हो वो ले सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अदरक नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट अच्छा आता है। 1 चम्मच मैंने इसमें कटा हुआ हरा मिर्च डाला है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से भून लिया हुआ है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू थे जिन्हें मैंने छील के हल्का सा तोड़ के डाला हुआ है, और इसे भी हम हल्का सा तेल के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो थोड़ी देर मैंने इसे फ्राई कर लिया हुआ है। अब हम इसमें तुरंत पानी डाल देंगे। इसमें हम सबसे पहले दही नहीं डालेंगे क्योंकि डायरेक्ट अगर हम इस तरीके से दही डालेंगे तो दही फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, आधा कप के जितना पानी डाला हुआ है। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें बटर मिल्क डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 गिलास के जितना बटर मिल्क लिया हुआ है। बटर मिल्क हमें बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, और जब हम इसमें बटर मिल्क डालेंगे तो हमें गैस का फ्लेम हाई कर देना है और इसे हम हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए इसमें बॉयल आने देंगे अच्छे से। जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता हम इसे इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो जो हमारे दही के आलू हैं वो चिकने नहीं बनेंगे, यानी कि जो बटर मिल्क हमने डाला है वो फट जाएगा। तो ये देखिए, हम इसी तरीके से लगातार चलाते रहे हैं और इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया हुआ है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा का पाउडर डाला हुआ है, 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, और भी आप जो मसाले खाते हैं वो डाल सकते हैं। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अगर आप हल्दी खाते हैं व्रत में तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर या धनिया का पाउडर भी डाल सकते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कम से कम हम इसे 10-15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकने देंगे। तो 10-15 मिनट बाद जब ये अच्छे से पक के तैयार हो गया है तो मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया हुआ है, और ये हमारे बहुत ही स्वादिष्ट खट्टे चटपटे दही के आलू बनकर रेडी हैं। तो आप इस नवरात्रि में इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।